सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका gbtjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में निकली हुई भर्ती के बारे में। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डीईई में हाल ही में ही भर्ती निकली है लोअर प्राइमरी टीचर के। और इस पोस्ट को शुरू करने के पहले या जॉब की जानकारी बताने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो जॉब वैकेंसी है असम के कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो भी हमारे असम के उम्मीदवार है ये जान ले, और जो भी उम्मीदवार असम से है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अप्लाई करें, ये वीडियो आपके लिए ही है। और यदि आप असम से नहीं हो और आपको जॉब की वैकेंसी चाहिए तो आप ये आप इस वीडियो के आई बटन में आपको जॉब्स की जानकारी दे देंगे ऑल ओवर इंडिया की जॉब्स की वैकेंसीज की, जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करना अनिवार्य है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और इट्स रिक्वायरेंस क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए है 18 से 38 साल, और 18 से 38 साल की उम्र के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर नहीं भरनी है, एक अच्छी बात है कि आपको किसी भी तरह की एप्लीकेशन फी भी नहीं भरनी है। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो टेस्ट के द्वारा होने वाली है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट TET और मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा आपका चयन होगा यानी सिलेक्शन होगा। पे स्केल आपको 14,000 से 49,000 तक मिल सकती है, और ग्रेड पे एज पर रूल्स है यानी ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार आपको ग्रेड पे और पे स्केल मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप DEE Assam.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो और आपका एप्लीकेशन निश्चित कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF आपको यहाँ पर दी गई है जिस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। कल भी हमने आपके लिए एक ऐसी जॉब की वीडियो अपलोड की थी और ये भी आसाम के लिए है। बहुत से बड़े बड़े वैकेंसीज आसाम में निकली है, तो जो भी हमारे उम्मीदवार आसाम से है इस जॉब का जरूर उपयोग करिए और वैकेंसी का जरूर उपयोग करिए। और यदि आप अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई करिएगा। 26 मार्च से आपका एप्लीकेशन स्वीकारना शुरू हो जाएगा और 19 मार्च 2018 तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे जो भी उम्मीदवार आसाम से है इस पोस्ट को जरूर अप्लाई करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक करोगे PDF ओपन हो जाएगा जिसमें देखकर आप अप्लाई कर सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये दोनों लिंक मिल जाएंगे जिससे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी gbtjob.com पर आ सकते हो और जॉब्स के जो अपडेट्स होते हैं पाकर अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म लोड करना है तो जैसे आप इस अप्लाई हियर पे क्लिक करोगे, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ आसाम एलिमेंट्री एजुकेशन की ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हो। और ये सुनहरा मौका आपके हाथों से ना गवाइएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आसाम में हो रही है, लोअर प्राइमरी टीचर के पद के लिए हो रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है यानी BEd या DEd आपको करना होना जरूरी है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। 19 अप्रैल तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, पर 26 मार्च से एप्लीकेशन स्वीकारना शुरू हो जाएगा। अब तक एप्लीकेशन स्वीकारना शुरू नहीं हुआ है ये आप जान लीजिएगा। तो इस तरीके से भर्ती हो रही है और 5,393 पोस्ट की वैकेंसी है। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आसाम के द्वारा भर्ती निकली है। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तुरंत अप्लाई करिएगा। ऐसी जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे और आप आपके सुझाव हमें कमेंट में भेज सकते हो। तो वीडियो की इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और साथ ही साथ यदि आपको और अपडेट्स चाहिए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें टेलीग्राम और फेसबुक पे लाइक करिएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।